हेलो नमस्कार जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट में जेसीए पोस्ट के लिए भर्ती आ चुकी है जिसके लिए योग्यता 10वीं केवल है, जिसमें कंपटीशन भी काफ़ी लो होने वाला है। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिल पाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है जो 17 अगस्त 2024 को रिलीज की गई है, जिसके लिए 1/8/2024 को एलिजिबिलिटी काउंट की जाएगी और 1/8/2024 को आप कम से कम मैट्रिक पास होने चाहिए और इसी डेट को आपकी एज जो है कि इसी डेट को आपकी एज कम से कम 18 वर्ष हो जानी भी चाहिए। तो लेवल 3 की वैकेंसी है जिसके लिए बेसिक पे 21,700 है, लेकिन अलाउंसेज इत्यादि सब जोड़ करके आपको इन हैंड 46,210 के आसपास मिल जाएगा, 46,210 रुपये मिलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अगर हम बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, तो हमने आपको बता दिया कि क्वालिफिकेशन इसके लिए इसमें 10th स्टैंडर्ड का है क्वालिफिकेशन, कम से कम आपके पास 10वीं पास होना चाहिए जो, तथा मिनिमम 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन कुकिंग या क्यूलिनरी आर्ट्स में, कुकिंग या क्यूलिनरी आर्ट्स में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके बारे में बात करें तो 18 वर्ष से 27 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, जो 1/8/2024 को काउंट की जाएगी, यानी कि 1/8/2024 को कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए और अधिक से अधिक 27 वर्ष के होना चाहिए। अगर 27 से अधिक होते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन में, अपर एज रिलैक्सेशन में छूट दी जाएगी, हालांकि लोअर में नहीं दी जाएगी। रिजर्वेशन वैसे ही दिया जाएगा जिस प्रकार से रिजर्वेशन दिया जाता है, जो रूल रेगुलेशन है रिजर्वेशन का, रिजर्वेशन के बारे में भी वीडियो बना रखा हूं, तो वहां पर जा देख सकते हैं। दो प्रकार के रिजर्वेशन है, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो दोनों प्रकार के दिए जाएंगे। सिलेक्शन मेथड में पहले तो रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट जो है कि दो भागों में होगा। पहला भाग होगा जनरल नॉलेज का, जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन होंगे जो 30 मार्क्स के होंगे, और दूसरा भाग में कुकिंग या क्यूलिनरी आर्ट से संबंधित, कुकिंग से संबंधित और क्यूलिनरी आर्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे जो 70 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में स्किल टेस्ट आपसे लिया जाएगा, स्किल टेस्ट कुकिंग का स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट जो 70 मार्क्स का होगा, और थर्ड पार्ट में इंटरव्यू होगा जो 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। हम आपको बता दें कि हर एक पार्ट में, चाहे वो रिटन टेस्ट का पार्ट हो, चाहे स्किल टेस्ट का पार्ट हो, चाहे इंटरव्यू का पार्ट हो, हर पार्ट में कम से कम 60% मार्क लाना अनिवार्य होगा। टोटल 200 मार्क्स का हो जाएगा, 30, 70, 70, 30, 200 हो जाएगा, तो 200 में भी कम से कम 60% होना चाहिए। अगर 60% से कम होगा तो आउट कर दिए जाएंगे, 60% से अधिक होगा तो मेरिट में काउंट कर लिए जाएंगे और मेरिट में आएंगे। अगर टेस्ट सेंटर की बात करें तो अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और विशाखापत्तनम, ये सेंटर बनाए गए हैं। इन्हीं सेंटर पर आपको एग्जाम इत्यादि को सब कुछ देना होगा, इसके अलावा आपको कोई सेंटर नहीं दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन 23 तारीख से शुरू होगा, 23/8/2024 से शुरू होगा और 12/9/2024 तक रात में 12 बजे तक, 12/9/2024 रात में 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके लिए 400 रुपये का पेमेंट होगा, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 400 रुपये का पेमेंट लिया जाएगा, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी विडोज महिला इत्यादि से संबंधित इत्यादि सबसे 200 रुपये का पेमेंट लिया जाएगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 ईयर्स ऑफ कुकिंग एक्सपीरियंस इसमें डिमांड किया है, 3 वर्ष का कुकिंग एक्सपीरियंस, और 3 वर्ष का कुकिंग एक्सपीरियंस तो आपने खूब अगर कुकिंग किए हैं, कुकिंग करना जानते हैं, तो 3 वर्ष का आप आसानी से दे सकते हैं एक्सपीरियंस। नहीं, कंपटीशन में कुछ खास नहीं है, कंपटीशन बिल्कुल आसान है, सिलेबस में कुछ दम है नहीं, केवल 30 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, 200 में से केवल 30 क्वेश्चन ही आएंगे सिलेबस में, वो भी जनरल नॉलेज से संबंधित आएंगे, जनरल नॉलेज भी आसान प्रकार के होंगे, तो सिलेबस में कोई दम नहीं है। अगर आप क्यूलिनरी आर्ट्स से संबंधित चीज़ों को जानते हैं या कुकिंग से संबंधित चीज़ों को जानते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 1 ईयर का क्यूलिनरी आर्ट में डिप्लोमा कर लिए हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो आप दे पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। 80 वैकेंसी है इसके लिए, क्यों 80 वैकेंसी के लिए आवेदन मांगा गया है, लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि कम वैकेंसी है इसलिए कंपटीशन काफ़ी हाई होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंपटीशन बिल्कुल भी लो होगा। तो आप अगर इससे संबंधित हैं और आप इसकी क्रिटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो ज़रूर इसको अप्लाई कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिल पाए। द्रोण जी एस रिसर्च सेंटर के साथ बने रहने के लिए आप सभी के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।